नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड रोजांग, डायरेक्टर रोजांग गाइड्स एकेडमी। और आज इस मंच पर हमारे साथ इतिहास के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक, जो लगातार आप लोगों को पढ़ाते रहे, और इनके संवाद करने की जो तकनीक है, जो तरीका है कम्युनिकेशन का, वो आप लोगों में बड़ा लोकप्रिय रहा। तो मैं स्वागत करता हूँ आज इस मंच पर निर्देश भारद्वाज सर का, जो रोजांग गाइड्स एकेडमी पे हिस्ट्री ऑप्शनल डील कर रहे हैं। और न सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, उसमें जो एक सरल कम्युनिकेशन की तरीके होते हैं उनको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। जी सर, नमस्कार सर। अगर पिछले कुछ समय से बात करें तो इस बार रिजल्ट अगर देखते हैं तो श्रुति शर्मा का जो रिजल्ट है हिस्ट्री ऑप्शन से, अपने आप में एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। और इतिहास हमेशा से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा लिया जाने वाला ऑप्शन रहा है। पढ़ने में सरल होता है और बहुत ज़्यादा तामझाम के बिना भी इसको पढ़ाई की जा सकती है, और कंसिस्टेंसी हमें इसके रिजल्ट में देखने को मिलती है। तो आज मैं इस बातचीत के माध्यम से, इस मंच पर, ये जानना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ, आप किस रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑप्शन क्या है उनके लिए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी बच्चों को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपको जो है ओजंग का इसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छी क्लास मिलने जा रही है, और शुभकामनाएँ हमारे साल के टॉपर के लिए भी हैं जो हमारे ही सब्जेक्ट से रही हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल सर हमेशा से ही एक बहुत ही सदाबहार विषय रहा है यूपीएससी में, और कभी भी इसकी स्कोरिंग न बहुत कम रही है और न बहुत ख़राब रही है। मतलब कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी करके अगर खुद भी तैयारी करना चाहे तो भी उसमें बहुत अच्छे से वो कम्पीट कर सकता है। तो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल हमेशा से, और यूपीएससी में इसका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल के एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल जो है कई जगह फिट बैठता है। जैसे पीटी में जो हमारे पास हर सवाल 15-20 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को उसमें ज़रूर एज मिलेगा। मेंस में हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग जो है 50% जो है हिस्ट्री ही है, तो उसमें जो है इसको पूरा एज मिलेगा। और अक्सर जो है आजकल जो ऐसे भी जो है जो फिलॉसफी या सोशियोलॉजी को लेकर के उसमें हिस्ट्री का भी पुट रहता है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल है वो पीटी में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है, और ऐसे में भी काम आता है, और ओवरऑल रैंक बनाने में भी काम आता है। जी सर, तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है एक तीर से कई निशानों के बराबर है, प्री, मेंस, एसे, और इसके साथ साथ ऑप्शनल में तो खैर वो है ही बिंदास। और अगर कोई स्टूडेंट इसकी तैयारी शुरू करता है जी, तो जी, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको पढ़ने की? जैसे किसी युद्ध को लड़ने के लिए हमारे पास वेपन से हथियार होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही हमारे इस ऑप्शनल को तैयार करने के लिए बहुत दो तीन छोटे छोटे वेपन्स हैं, लेकिन बच्चे अक्सर उनको इग्नोर कर देते हैं। और ये मैंने अपने बच्चों को कई बार बताया है कि आपको इन पे फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को ध्यान देना है। बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस पे ध्यान नहीं देते। जो हमें यूपीएससी ने जो सिलेबस बताया है, कमीशन ने जो हमें सिलेबस दिया हुआ है, उसको जो है हमें ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस, कह सकते हैं कि जैसे हम जीएस को याद करते हैं या किसी टॉपिक को याद करते हैं, मेरा तो मानना यहाँ तक है कि सिलेबस भी बच्चों को याद होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा हमारा जो वेपन है, जो हथियार है, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के पता चलेगा, ये ऑप्शनल में भी काम आएगा और पीटी और मेंस का जो जीएस का सेक्शन है उसमें भी काम आएगा। तो सबसे पहले बच्चे को, कोई भी बिल्कुल बच्चा अगर बेसिक से तैयार करना चाहता है तो उसको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, तो ये तो बहुत ही आपने तीन महामंत्र बता दिए जी, जैसे आपको इसमें जाना है, तो आपको ये बातें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे आप अभी बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बातचीत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है या वो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है, तो वो कौन कौन सी बुक्स पढ़े हिस्ट्री ऑप्शन के लिए? सर, मार्केट में बुक्स तो जो है हिस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाम ही उसका इतिहास है, तो यहाँ तो हर चीज़ का, हर टॉपिक पे एक बुक्स आपको मिल जाएगी। लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिलेबस को कवर करने के लिए हमें देखना है, तो इसके जो पार्ट्स जो होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न,
आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लिए जो है सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आर एस शर्मा सर की और उनकी एक किताब आती है आर एस शर्मा सर की, बच्चा उसको पढ़े अच्छे से बढ़िया से। मिडिवल हिस्ट्री में जो है सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी आती है पुरानी वाली और उसके ही उनकी एक बुक्स भी आती है, पब्लिकेशन भी आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट है और फेमस है एनसीईआरटी भी बिपिन चंद्रा सर की आती है और उन सर की जो है बुक्स भी आती है बहुत अच्छी, और वो बुक्स जो है आज़ादी से पहले एक अलग सेक्शन है, आज़ादी के बाद उसका दूसरा सेक्शन है। तो ये एक ऐसी यूनिक बुक हैं कि आप अगर या कोई भी बच्चा जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहा है, क्लास नहीं ले सकता है, ऑफलाइन नहीं आ सकता है, तो वह बच्चा जो है इन बुक्स को तैयार करके बहुत सारा अपना सिलेबस तैयार कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो बुक्स हैं इसके साथ साथ हमारा जो ओजांक आईएएस एकेडमी का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, या हम ये कहें कि जो नोट्स है जो हमने टॉपिक वाइज तैयार किया हुआ है, बुक्स में और नोट्स में ये अंतर होता है कि बुक्स एक पैटर्न पे लिखी जाती है, लेकिन हमारा जो नोट्स है जो ओजांक आईएएस ने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है ऑप्शनल का जो नोट्स, वो टॉपिक वाइज है। उससे जो है बच्चे को ये फ़ायदा मिलेगा कि हमने यूपीएससी में क्या टॉपिक दिया हुआ है, उसका कंटेंट हमें क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चा एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हमारा अगर नोट्स साथ में रख ले तो उसकी एक कंप्लीट तैयारी घर बैठ करके आराम से हो जाएगी। बिल्कुल जी, तो ये तो बहुत ही सरल तरीके से सर ने इस बात को इसमें बता दिया। और आप लोग अगर हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर अभी विचार कर रहे हैं तो ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो न सिर्फ पढ़ने में बहुत आसान है, साथ ही साथ इस पे इसकी ग्रैस्पिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, घटनाओं को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है, देश को समझने में बहुत मदद मिलती है, और साथ ही साथ इसको अगर रीडिंग हैबिट्स हैं तो आप इसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और श्रुति शर्मा का रिजल्ट भी हमारे फेवर में रहा और ये हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स के मामले में भी वो बहुत ही बेहतर रहा है। इस पर कुछ और भी टिप्पणी आप करना चाहेंगे? मेरे उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं ले सकते, ऑफलाइन नहीं आ सकते, किसी वजह से बहुत दूर हैं दिल्ली से या बड़े बड़े शहरों से, तो उनके लिए जो है मेरा एक ही सजेशन है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है आपके पास होने चाहिए, और जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं बहुत बेसिक बुक हैं जिन्हें हम रेफरेंस बुक कह सकते हैं, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे यूपीएससी के लिए रामबाण है, पेनाशिया है, ये हमारे पास होने चाहिए। और हमारा जो है एक गाइडेंस जो प्रोग्राम है ओजांक का आईएएस का और जो ऑनलाइन चल रहा है जिसको आप घर बैठ करके भी जो है ले सकते हैं, ये जो क्लास है उसी प्रकार से चलेगी जैसे मान लीजिए आपको ऑफलाइन में फील हो रहा है, इसमें आपको बिल्कुल भी ये कतई महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा जो अंतर है सर, जो मेरे हिसाब से है, वो ये है कि कॉपी चेक करने में दिक्कत आती है। यहाँ पर हम जो है आपकी कॉपी भी चेक करेंगे, हम आपको टॉपिक डिस्कस कराएंगे, आपका सिलेबस बताएंगे, सिलेबस से प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं यह भी बताएंगे, इसके बाद में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कमिंग में आ सकते हैं, इसके बाद हम पूरा आपको सिलेबस जो है या टॉपिक जो है डिटेल में डिस्कस कराएंगे। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस चीज़ को पढ़ के, हमारा नोट्स पढ़ के और उस पर क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि यूपीएससी के लिए मेंस को क्लियर करने का मतलब है कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस समय जो हम घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं कि ऑन द वे जब हम पिच पर बैटिंग करने जाएंगे, जब हमारे सामने फास्ट बॉलर्स और दुनिया के अच्छे अच्छे स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, तब हम अपनी जो है क्वालिटी को वहाँ दिखा पाएँ। तो आपको जो है, जैसा आपने पूछा कि बच्चों के लिए क्या सजेशंस है, इस प्रोग्राम के जरिए आप आंसर राइटिंग करें और उस लेवल तक की क्लास हमारी चलेगी जो यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी का मेरे हिसाब से एक फंडा है डिमांड एंड सप्लाई। यूपीएससी जो डिमांड करती है हमारी तरफ से वो सप्लाई नहीं जा पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें यहाँ कमी रह गई या इस मीडियम की कमी रह गई। या अगर हम देखते हैं सर, लास्ट ईयर जो ये ईयर निकला हुआ जिसमें श्रुति जी ने टॉप किया है, इसमें हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे टॉप आए हुए हैं, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने सप्लाई वो दी जो डिमांड की यूपीएससी ने, क्या क्वेश्चन दिया और क्या जो है हमने आंसर लिखा। इसके लिए हमें घर बैठ करके इसकी बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, मेरा ये बच्चों को एक सजेशन है। बिल्कुल, और किस तरह से सर का पढ़ाने का स्टाइल है, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सब कुछ आपको जो है वहाँ प्राप्त हो जाएगा। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि ओजांक आईएएस एकेडमी का एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, हमारी जो सालगिरह ऑफर चल रहा है उसमें सभी ऑप्शन पर बम्पर छूट है, और इसका आप फ़ायदा उठाएँ, जुड़ें और अच्छे से तैयारी करें।
तो दोस्तों जुड़ते हैं आगे और आगे चलते हैं और अपनी तैयारी को करते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करूंगा कि बच्चों के साथ जो सफ़र होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आप यहाँ श्रुति शर्मा की तरह आप भी विजेता बन के निकलेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम ये सफ़र शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर।